लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलो अभी करते हैं। क्या? You know? हाँ? मैं मशीन थोड़ी हूँ, मूड भी तो होना चाहिए। मूड में आ जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। लो नहा लो। नहाने के बाद मना तो नहीं कर दोगे? मना क्यों करूंगी, किसी पे ट्रस्ट नहीं है ना तुम्हें। अरे रात के 1 बजे नहाने के लिए कह रही हो, आई होप यू डोंट चेंज योर माइंड। तो फिर नहीं करते ना, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। शीर्षासन कर लेते। शीर्षासन। आर यू श्योर? क्या कर रहे हो सर? गॉड, आप ठीक तो है ना सर? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नो गॉड सर, आई एम डेटोरिएटिंग। लेकिन हमें फिर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। Why? What happened? समित, तुम उनको वो क्यों नहीं करके बताते जो तुम रोज सुबह सुबह करते हो टॉयलेट जाने से पहले? टॉयलेट? मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तुम्हें पलकों पे बिठाऊंगा, जमाने की हर ताकत से टकरा जाऊंगा, पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। प्रेमिका की एक झलक के लिए प्रेमी 7 समंदर पार कर जाते थे, कोई रेगिस्तान में मैराथन दौड़ जाता था, तो कोई कच्चे घड़े पे बैठ के पूरा का पूरा दरिया पार कर जाते थे, कोई पहाड़ को काट के दूध की नदी निकाल देता था। बॉस, 20 साल तक एक ही बिल्डिंग को बनवाना कोई मजाक काम नहीं है, वो भी एक ही कलर में। पेशेंस चाहिए। शाहजहां बावला नहीं हो गया था बड़ी, मार्बल पे मार्बल खर्च कर डाला काय के लिए? ट्रू लव के लिए। ट्रू लव, सच्चा प्यार, रूह से रूह का मिलन। वाह। बट देन द टाइम्स चेंज्ड। Thank you.
क्या मैं पूछ सकती हूँ कि रात में काला चश्मा क्यों पहन रखा है? स्टाइल है। उतारो। नहीं नहीं। चश्मा उतारो। नहीं नहीं नहीं। No no no. No, Samit, take off your glasses. No means no. God, no, 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 please, no, no, take off your glasses. I'll leave the steering. I'll leave the steering. No means no. Behaving like a child. No. God. Bas. रात में काला चश्मा वो लोग पहनते हैं जिन्हें स्टाइल के बारे में कुछ नहीं पता। You're jealous because I'm looking handsome. काला चश्मा पहनो। पता नहीं कुछ दिखाई दे रहा है नहीं। रास्ते में कोई गड्ढा आ गया, कोई कोई स्पीड ब्रेकर आ गया, तो क्या करोगे? You know I have a backache. God knows तुम्हारे बैक में प्रॉब्लम क्यों है? 6 महीना 3 दिन हो गए, हमने कुछ किया तो है नहीं? सब तुम्हारी वजह से। Most unromantic person on the planet. अरे बेडरूम के अंदर क्या होता है, उसको रोमांस से क्या लेना देना? वो भी हस्बैंड वाइफ के बीच में। हस्बैंड वाइफ्स आर बियॉन्ड रोमांस। हस्बैंड्स एंड वाइफ्स आर नॉट बियॉन्ड रोमांस। यू आर बियॉन्ड रोमांस। एंड योर सिली गेम्स। कभी तुम डॉक्टर और मैं नर्स। कभी तुम बिल क्लिंटन और मैं मोनिका लुविंस्की। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दीस गेम्स समिट। और इन गेम्स से मुझे कुछ नहीं होता है। और वैसे भी कुछ करने के लिए तुम्हें घर आना पड़ेगा ना? तुम घर कभी होते हो? Listen. लास्ट संडे पे घर पे था, कुछ हुआ? कुछ हुआ क्या? हुआ तुम्हें मालूम है कि मां आई थी? हां। एंड नेक्स्ट डे एसी खराब हो गया था। हां, किसकी वजह से? राजू इलेक्ट्रिशियन की वजह से। मुझे नहीं पता था कि माय सेक्स लाइफ विल डिपेंड ऑन सम राजू भाई। पता है डॉक्टर साहब बोल रहे थे ज्यादा दिन कुछ ना हो तो माइंड एंड बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। ऑफिस में दिन भर गंदे गंदे ख्याल आते रहते हैं। मैं किसी फीमेल कॉलेज से ठीक से फील नहीं पाता हूं। प्रॉपर्ली बैठ नहीं पाता हूं कंफर्टेबली। बार-बार खड़े होने पड़ता है। आई टोल्ड यू ना चश्मा उतार के गाड़ी चलाओ। सॉरी। मुझे दिखाई नहीं दिया। कुछ दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है। Honestly, Samit, you don't feel anything. You come home late from work, फिर कहते हो कि ये नहीं होता है, sex नहीं होता है, romance नहीं होता है। मेरे handicapped सी, मेरे तो हाथ नहीं, देखो मेरे हाथ ही नहीं है। बगैर हाथ की गाड़ी चला रहा हूँ, तो आपके भी नहीं है। Stop the child, Samit, क्या कर रहे हो? अब एक्सीडेंट हो जाएगा, ये कहीं कहीं गाड़ी, अरे एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी रोको। Madness. Oh God. Miracle. What? I can see. What? A speed breaker. See? Are you going to walk over it or should I drive? I'm warning you, Samit. जब हम ऋषि और सिमी के घर जाएंगे, you have to behave yourself. For the last time. Yeah, for the last time. इस जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं. आदमी को इससे विचलित नहीं होना चाहिए. भगवान आपके साथ कोई सांप सीढ़ी का खेल नहीं खेल रहा. नहीं नहीं, वो तो 2020 खेल रहा है. भगवान का ओम नमः शिवाय का. सिर्फ 2 महीने में एक फिल्म डायरेक्टर बनिए. बिग फिल्म अकेडमी. ये लोग अपने आप को समझते क्या है? किसी को भी फिल्म मेकर बना देंगे? हेलो, कुछ लोग फिल्म मेकर होते हैं, बाकी बन ही नहीं सकते। तुमको तो गुस्सा आता है अगर तुम्हारा हर स्टूडेंट मीरा नायर या शाम बेनेगल ना हो। ओह कम ऑन सिमी, दैट्स नॉनसेंस। तुम जानती हो मैं काफी स्टूडेंट्स का काम अप्रिशिएट करता हूँ। रियली? इनफैक्ट एक स्टूडेंट है जिसने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट सबमिट की है। इट्स कॉल्ड व्हाई डू मेन हैव निपल्स। व्हाट? नो सीरियसली, आई मीन व्हाई डू मेन हैव निपल्स? देखो आ गए। Samit, same style. This is style, huh? Your style. We touch it. It's my style. Thank you. God. Actually, dinner पे जाने से पहले हम कुछ बताना चाहते हैं. क्या क्या क्या? तुम बताओगी? अरे बता भी दो. You're pregnant. Are you? How can she be pregnant? How can she be pregnant? Actually, Samit और मैं अलग हो रहे हैं. चलो आ जाओ, आ जाओ। ये तो सीरियस नहीं है, हम लोगों ने आपस में बात कर ली और हमको लगता है कि हमारे लिए ही ठीक है एंड वी आर फाइन। आर यू सीरियस? काफी डिस्कस कर चुके हैं हम।
इट्स म्यूचुअल. क्या कह रहे हो समित? या हम डिनर पे चलते हैं ना, बाहर बात कर लेंगे. डिनर पे क्यों बात करेंगे, हम घर पे बैठ के बात करेंगे. ये सब डिसाइड कब किया? काफी दिनों से चल रहा है, wouldn't you say? और हमारे भी कोई झगड़ा नहीं हुआ है, you know? You can see, you know, we are fine. We're fine. Yeah, we are fine. We're fine. We're fine. We're fine. मतलब क्या? Reason क्या है? तुम लोग अलग कैसे हो सकते हो? तुम लोग तो हमारे लिए समित मीता हो, you know, समित मीता. No, we are still समित मीता. I'm समित जी. ज़्यादा details में जाएंगे तो bore हो जाएंगे, really. मैं कभी ऐसे सोच भी नहीं सकती. It's shocking. I mean, you're so good together. She's right. Hang on. तुम दोनों को कोई और मिल गया क्या? No. No. Rishi. No. No. That's none of our business. अरे मैं interested हूँ. I want to know. You know, I'm feeling a little sick actually. Listen, we are not spoiling anything. हम सिर्फ अलग रहकर देखना चाहते हैं. देख रहे हैं. इतनी मुश्किल से ये decision लिया है. ये मत कहना कि तुम लोग support नहीं करोगे. पागलपन है. Just watch. कल तक सब ठीक हो जाएगा. नहीं नहीं हमने तो अलग जगह भी देखना शुरू कर दी है. She is staying at the same place and I'm moving out. मेरी तबीयत बिगड़ रही है. कम ऑन सिमी. सच में मीता, चलो ना खाने के लिए चलते हैं. क्या मतलब खाने के लिए चलते हैं? How can you think about dinner at a time like this? नाराज मत हो. मैं नाराज नहीं हूँ. मुझे पता था ये होगा. तुम्हें तो सब कुछ पता है. तुम लोग इतना कैजुअली कैसे बोल सकते हो कि तुम दोनों अलग हो रहे हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं. आई मीन तुम दोनों एक दूसरे को इतने सालों से जानते हो एंड सडनली आउट ऑफ द ब्लू इट्स दिस इज नॉट आवर बिजनेस. हां क्यों नहीं, ये हमारे सबसे क्लोज फ्रेंड्स हैं. लेकिन हमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. तो फिर कपल्स अलग होते हैं, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, विच बिकम्स समिट प्लीज जस्ट डोंट गिव मी एनी ऑफ दिस नॉनसेंस. एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज सब इतने क्लोज थे, प्लीज मुझे तो ये लगता था. ये इतनी अपसेट क्यों हो रही? शी केयर्स अबाउट अस. आई आल्सो केयर अबाउट यू. सिमी लुक, वी आर फाइन. हम ये सब करना चाहते थे. अरे यार सिमी, तुम ये सब इतना पर्सनली क्यों ले रहे हो? मैं अपसेट हूं. क्या मैं अपसेट भी नहीं हो सकती? सिमी, मैं मैरिज काउंसलर से भी बात कर चुकी हूँ. कब बात करी तुमने? वो मैरिज काउंसलर से भी बात कर चुकी है. अब ये मैरिज काउंसलर से भी बात कर चुके हैं? मैरिज काउंसलर, बात यहाँ तक पहुँच गया, नो वन इवन बॉदर टू टेल मी. थैंक यू सिमी. अरे ये ऋषि, लिसन यार, प्लीज. नहीं यार बहुत, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ प्लीज. चलो ना खाने के लिए चलते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं. सिमी कम ऑन. मुझे पता था तुम्हारे घर में आऊंगा यही होगा. यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर हर. शी मस्ट लिसन टू यू कम से कम. मीता ने कभी सेपरेशन के बारे में कभी कुछ बताया तुम्हें? आई मीन कोई हिंट एंड ऑल? वेल अगर मैं अब याद करने की कोशिश करूँ तो हाँ, मीता ने ऐसा कुछ कभी ना कभी जरूर कहा होगा अकेले रहने के बारे में. मगर समित के बारे में कभी कुछ नेगेटिव तो नहीं कहा, as far as I can remember. अच्छा अपने बारे में कुछ बताओ. मैं हूँ सिमी शर्मा. मेरे हस्बैंड का नाम है ऋषि. हम दोनों की शादी को 4 साल हो चुके हैं. वी डोंट हैव एनी किड्स येट. मैं एक मैगजीन के लिए काम करती हूँ. शादी के पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था, हम शादी करने वाले थे मगर हुई नहीं, और उसमें किसी की गलती नहीं थी. मीता ने बताया कि उस रात वो लोग डिनर पर गए तो थे पर एटमॉस्फेयर काफी टेंस था. प्लीज यू नो समित, एक नया रेस्टोरेंट खुला है. चाइनीज? या तो तुम प्लीज. आई कैन मैनेज. ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है. टू शो दैट यू केयर, आई नो दैट यू डोंट. अरे मीता क्या हुआ? हाँ अपने फ्रेंड्स के सामने एम्बैरेस हो रहे हो, इज दैट इट? यू वांट टू मेंटेन योर गुडी गुडी इमेज? ऑफ कोर्स. नो समित तो परफेक्ट है. सारी खराबियां सारी बुराइयां सिर्फ मुझ में है, राइट? मीता भी डिस्कस किया था कि हम लोग वी आर गोइंग टू बिहेव प्रॉपर्ली. वी आर फाइन. We are not fine. You are fine. सिर्फ अपने convenience के लिए मेरे साथ थे ना इतने दिन? जहां तक तुम पहुंचे हो आज समित, सब मेरी वजह से है. सारे sacrifices जो मैंने करे हैं. तुमने क्या किया है? We are fine. खरा के क्या कहता है ये? खाने में क्या बना है? ये सब क्या है? ये तो मुझे नहीं चाहिए. मेरे हाका noodles कहाँ है? You are so lazy, समित, and so untidy. ये अपना कबर्ड भी साफ नहीं रख सकता. Do you know that? What I've been doing with you all these years. अपने कपड़े ये क्या पहन रखा है? What do you think of yourself? You think you're a superstar? नहीं. Don't touch me, Samit.
यू नो मुझे एक बार भी ये फील नहीं हुआ दैट यू केयर दैट यू नीड मी और होता भी क्यों मैं तुम्हारी लगती क्या हूँ बोल दो ना सबके सामने मैं तुम्हारी लगती क्या हूँ आई एम योर हाउसमेट दैट्स इट तुम मुझे अप्रिशिएट नहीं करते हो कभी मेरे बारे में कुछ अच्छा बोला है हाँ हैव यू सेड एनीथिंग नाइस अबाउट मी अब बोल सकते हो अपने फ्रेंड्स के सामने ट्राई करो ना बोलो लेकिन नहीं कैन यू लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू समिट प्लीज आई एम वेस्टिंग माय टाइम विद यू गो वेटर अमेजिंग हमें लगता है कि हम अपने दोस्तों को जानते हैं लेकिन असल में हमें जरा सा भी आइडिया नहीं है कि वो क्या सोच रहे हैं क्या तुम भी मुझसे कुछ छुपाते हो क्या मैं आई एम टॉकिंग अबाउट देम नॉट अस मैं क्या छुपाऊंगा पता नहीं सम हिडन फीलिंग और डिजायर सम फैंटेसी यू माइट बी हैविंग आई डोंट नो 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 नथिंग क्या तुम छुपाती हो नहीं शायद कभी कभी शायद कभी कभी मतलब पता नहीं तुम बहुत क्रिटिकल हो यू नो नहीं नहीं बोलो सिमी छोड़ो ना हम पहले भी इस बात पे झगड़ चुके हैं चलो सो जाते हैं कल बात करेंगे आई एम सॉरी आई एम फाइन पर समित ने जरूर तुम्हें कुछ बताया होगा तुम तो रोज मिलते हो अरे हाँ एक इंसिडेंट तो बताया था पली 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 इधर एक बार जरा क्या हुआ वो तो सुबह सुश के बारे में क्या बोल रहा था ओए मैं तो बस इतना कह रहा था कि फॉरवर्ड टाइप की है तू ट्राई क्यों नहीं करता ओ नहीं यार पागल है यार क्यों टेंशन मैं नहीं यार मैं ये सब पूरी करता हूँ यार वो किसी से कुछ नहीं कहती चुप रहने वालों में से है जूनियर सारी ऐश कर रहे हैं और सीनियर तो उसे और है हाय बुलाऊं क्या देख मत उधर क्या देख मत उधर ना नहीं कर और मेरी बीवी का क्या होगा उसको पता चल गया तो देख तूने मुझे कहा था ना क्या कहा था मैरिड लाइफ इज वेरी बोरिंग कहा था ना मैंने कहा था ऑफ कोर्स कब कहा था लंच पे सवाल ही नहीं मैं कह नहीं सकता बिल्कुल कहा था नहीं मैं कह नहीं सकता बिल्कुल कहा था बियर भी कहा था कहा था ना ओए कमाल की कुड़ी है मैं सागर रह चुकी है यार एक मिनट जरा क्या इधर आ हाँ बोल मैंने एग्जैक्टली क्या कहा था तूने मुझसे कहा था कि मीता इज वेरी कोल्ड और तेरी एरोबिक टीचर बड़ी हॉट है जी 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 क्या नहीं नहीं यार लंच बियर नहीं पीनी चाहिए यार नहीं तू सब कुछ भूल जा मैं तुझे उसका नंबर दे नहीं यार वो तो ठहर जी 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 नहीं जी तू उसका नंबर ले ले और बात कर ले नहीं नहीं जी नहीं जी यार और मैं उसको लेकिन उसको बोलूंगा क्या कि मैं क्या करना चाहता हूँ क्या बोलूँ उसको कुछ भी हिंट दे देना यार हिंट हाँ क्या हिंट स्माइल दे दे स्माइल तो मैं रोज करता हूँ यार उसको बोल तुझे ऑफिस के बाहर उसे डिक्टेशन देना है समझ यार ऑफिस के बाहर डिक्टेशन देना है ऑफिस के बाहर डिक्टेशन देना है चल नहीं यार नहीं वही समझा कर पली पली मिलता हूँ चल अरे थैंक गॉड समित ने नंबर फेंक दिया मैं जितना उसे जानता हूँ समित ऐसी लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ता है वो काफी सीधा साधा है हाँ उसने कॉल किया था नंबर मिलने के एक महीने बाद फोन पे तो बहुत प्यार से बात कर रहा था मुझे लगता है थोड़ा टेंस था यू नो ही वाज बिहेविंग लाइक अ टीनेजर I think it was quite cute. अच्छा मिले कहाँ तुम लोग? वो ना किसी कॉफी शॉप में मिलना चाहता था। मैंने उसे घर ही बुला लिया। दरवाजा बंद है ना? क्या? दरवाजा बंद है? हाँ। मेरा मोबाइल बजेगा? नहीं। नहीं इसमें सुनाई दिया मोबाइल। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। I think मेरा मोबाइल बजा। नहीं बज रहा। नहीं। दरवाजा बंद है हाँ बंद है ओ
क्या हुआ? अरे यार दर्द हो रहा है। कहाँ? पेट में दर्द हो रहा है। क्यों, क्या हो गया? आई डोंट नो, थोड़ी घबराहट सी। कुछ खाया था क्या? पानी चाहिए? पानी? हाँ पानी देना। आई थिंक मेरा मोबाइल बज रहा है। अब माय वाइफ इज कॉलिंग। जस्ट टेल हर आई एम इन मीटिंग। हाँ थोड़ी घबराहट हो रही है। कुछ लाओ। अब डॉक्टर फोन करो। डिस्प्रिन 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 तुम्हारे पास? आई थिंक मेरा मोबाइल बज रहा है। मोबाइल नहीं बज रहा है मेरा। कहाँ है मोबाइल? कुछ घबराहट हो रही है। और पानी चाहिए? ये लो। डिस्प्रिन क्या हो रहा है तुम्हें? और क्या हो गया है? फिर बज रहा है, फिर बज रहा है मोबाइल। कुछ नहीं बज रहा मोबाइल। आई थिंक माय वाइफ इज कंटिन्यूअसली कॉलिंग मी। क्या करूं? एक क्या हुआ? शीर्षासन कर ले। शीर्षासन? आर यू श्योर? क्या कर रहे हो सर? गॉड आप ठीक तो है ना सर? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? I am deteriorating. मैं तो डर गई, कहीं सचमुच में हार्ट अटैक ना हो गया हो। Imagine, my boss dead in my own house. God. उसके बाद फिर कभी मिले? हाँ, एक महीने बाद मिले, मेरे घर पे। इस बार तो उसने बहुत कुछ किया। And then I got a promotion. Then I lost interest in him. And Mita? She's cold in bed, na? इसमें surprise कैसा? वो है ही थोड़ी intellectual type. अच्छा, तुम्हें बहुत पता है ना? समित ने mention किया था, बस. और मैं? मेरे बारे में तुमने क्या बताया समित को? तुम्हारे बारे में क्यों बताऊं? But there's nothing wrong with you. I love you and we're fine. पर तुमने तो कहा था कि मैं इतनी free नहीं हूँ. My God. इतनी पुरानी बात अब भी याद है तुम्हें? पर कहा तो था। अरे मैंने ऐसे कह दिया था। ठीक है अब मैं कह रहा हूं, सॉरी सॉरी। ऋषि, कभी तुम्हारा मन करता है ऐसी लड़कियों के पास जाने का? नहीं, कभी नहीं। श्योर? तुम सचमुच अजीब मूड में हो। आई मीन अलग वो हो रहे हैं एंड यू आर डाउटिंग मी। हम कभी अलग हो सकते क्या? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। तुमने ऐसा सोचा है? नहीं। चलो अभी करते हैं। क्या? यू नो। हाँ मैं मशीन थोड़ी हूं, मूड भी तो होना चाहिए। मूड में आ जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। लो नहा लो। नहाने के बाद मना तो नहीं कर दोगे? मना क्यों करूंगी? किसी पे ट्रस्ट नहीं है ना तुम्हें? अरे रात के एक बजे नहाने के लिए कह रही हो, आई होप यू डोंट चेंज योर माइंड। तो फिर नहीं करते ना, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। समित से अलग होने के कुछ दिन बाद मीता अपने कुलीग रजत के साथ डेट पर गई। रजत मीता को हमेशा से चाहता था। Hey. Hi. Hi. Come, come. How are you? I'm fine. You're looking good. Thank you. God. Sorry. It's okay. Yes. Hello. Sorry. Welcome to my rented palace. It's very nice. I hope you really like it. Anyways, hey, मुझे प्ले के दो टिकट्स मिले हैं। Yeah, great. इस प्ले के डायलॉग्स भी मेरे फ्रेंड ने लिखे हैं। Really? That's great. Are you all right? Yeah, I'm fine. Should I get you something? No. Some water? Actually, क्या मैं कॉल कर सकती हूँ? Sure. दूसरे। Please, please, feel free. Just one minute. हेलो। हाँ हाँ मैं फोन कर रहा था, करेक्ट नहीं हो रहा था। मैं अंदर थी। सो हाउ आर यू? आई एम फाइन।
I'm perfectly fine. No, I was just concerned, Mita. Are you okay? मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ. Samit? Samit, are you okay? Yeah, no, yeah, yeah. I miss you, Mita. I miss you. Samit, क्या तुम रो रहे हो? I'm mad, यार, I'm mad. पता नहीं क्यों थोड़ी थोड़ी देर में बहुत जोर जोर से रोना आने लगता है. Maybe I don't deserve you. It's okay, Samit. नहीं तुम समझ नहीं रही हो. मुझे लगता है कि अभी भी मुझे लग रहा है कि जैसे मैं बहुत जोर जोर से मैं चिल्ला चिल्ला के रोऊं. It's okay, Samit. Just calm down, okay? सब ठीक है. मैं कहीं नहीं गई हूँ. मैं यहीं हूँ, okay? Please don't cry. I can't see you crying. No, just realize that we are connected, Mitu. I know, just listen. Yeah. You and I both know that all this living separately, it's not working for us, huh? एक बार हम वापस साथ रहने की कोशिश करेंगे on a completely different basis. देखो ना सब ठीक हो जाएगा. Just like alcohol. I'm coming to pick you up right now. No. हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते. No. I'll be there. No. I will come to you. कहाँ तुम? मुझे बताओ. आज मैं तुम्हारे favorite हाका noodles बनाऊंगी. रात में हम साथ साथ हागी हागी करके सोएंगे. We'll make it a really special day, Samit. No. मितु, हम मैं बोल रहा था ऐसे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है. बताओ ना कहाँ हो तुम? मैं अभी आ रही हूँ. मितु, I can't leave you alone in this big bad world. तुम बात क्यों नहीं समझ रही हो? मतलब मैंने, I'm okay यार. Coffee लोगे? Samit. तुम उसके साथ रह रहे हो, है ना? No. झूठ मत बोलो समित, I know you are. इसलिए तुम अलग रहना चाहते थे ना, ताकि तुम उसके साथ रह सको. अभी एक ही हफ्ता हुआ है, ऑलरेडी तुम उसके साथ घर बसा रहे हो. No, never. तुम जरूर ये प्लान पहले से बना चुके हो. कल तो भी थी. नहीं तो, never. Bullshit, समित, बकवास मत करो. तुम उसे पहले से मिलते आ रहे हो, I know it. अरे, I know that कुछ ना कुछ होना ही था, बस इतनी जल्दी? God, समित, you're such a liar. तुम ठीक तो? हाँ. कोई पर्सनल प्रॉब्लम? मैं ठीक हूँ. कहाँ जा रहे हम? इट्स अ इंग्लिश एडाप्टेशन ऑफ कामसूत्र. क्या? कामसूत्र? हाँ, मैं इसे योगिक साइंस की तरह लेता हूँ. रविश रजत, मैं ये प्ले देखना चाहती हूँ. मैं अपनी जिंदगी किसी और के लिए नहीं रोकूंगी. Just give me one second. हिलो मत ना. मैं लेती हूँ. Me too. Oh. मैं. Oh hi. Long time. क्या? Hi. I mean hi. मैं जानती हूँ कि वो लड़की कौन है. वही लड़की है ना जिसके चक्कर में तुम बैंगलोर जाते रहते हो? Yeah, no. काफी दिनों से तुम्हारी नजर उस पर है. Yeah, what? जिम इंस्ट्रक्टर है ना वो. इसलिए तुम्हें अचानक सुबह सुबह तुम्हें ये जिम जाने का शौक चढ़ गया था, है ना? तुम्हारी जिम से है ना? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इतना सब छुपाओगे. I thought it was a temporary state of affairs. Hello. मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी नजर किसी और पर है. मैंने सोचा था. What was the disturbance? Hello. Hello. You're such a liar. प्ले कब शुरू हो रहा है? मेरा मन नहीं कर रहा है प्ले में जाने का. आई एम फीलिंग अ बिट अपसेट. तुम किस बात से अपसेट हो? हाँ, मैन, लड़की की थोड़ी सी एज बड़ी नहीं और सब कुछ बदल जाता है. नहीं, मैं तो डोंट डिफेंड योर सेक्स रजत.
जब तक एज नजर नहीं आती है ना, अप अंटिल देन एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल. नो 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 लिसन, ओनली मेन वांट इज वैरायटी. यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी मीता, यू आर वेरी ब्यूटीफुल फॉर एनी एज, आई मीन फॉर एनीवन. सो शुरुआत स्ट्रांग, एंड स्ट्रांग. आई विल सी यू नेक्स्ट वीक. थैंक यू. Thank you. Raga, 1 minute. मैंने तुम्हारी स्क्रिप्ट पढ़ी है, काफी अच्छी है. Really? I was impressed. In fact, मुझे लगता है कि इस सेमेस्टर की सबसे अच्छी स्क्रिप्ट होगी. Great. Good language, strong dramatic points. It was a tight narrative structure. It was impressive. Look, I mean it. It's a compliment. और कुछ नहीं. I mean, don't take it any other way. देखो, ये सच है कि काफी प्रोफेसर्स हैं जो womanizers हैं. अपने आप को lady killers समझते हैं. हम फीमेल स्टूडेंट्स के साथ वो फ्लर्ट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स देंगे. आई मीन इट इज पैथेटिक, बट होता है. मैंने कभी ऐसा किया नहीं, कभी ऐसा कर ही नहीं सकता. आई एम मैरिड, मैं सिमी को चीट क्यों करूं? सो रागा, इसका मतलब क्या है? माय मदर, शी लव्स इंडियन क्लासिकल. पूरी लाइब्रेरी है उनके पास. ओह, एज इन रागा? Yeah. सॉरी, तो तुम्हारी पूरी फैमिली आर्टिस्टिक है? आंटी नहीं, Dad's a diplomat and mom's a professor at National College. Oh. तो ये बताओ रागा, तुम्हारी शादी हो चुकी है या तुम्हारी शादी और डिवोर्स दोनों हो चुके हैं, और इज इट जस्ट दैट तुम्हारी पूरी फैमिली इतनी वाइल्ड है? Wow. मुझे पता नहीं था कि मैं वाइल्ड हूँ. No, no, no. You're not wild. I'm just, तुम्हारी राइटिंग काफी you know, काफी passionate है. So, I don't know. It's just a trick. A trick? Yeah. जब मैं स्कूल में थी, मैंने पेरिस पर एक आर्टिकल लिखा था. I've never been to Paris. You just don't need to. It's a trick. तो तुम कुछ भी लिख सकती हो. लेकिन एक लड़की थी, बहुत साल पहले, before marriage. जूही नाम था उसका. Juhi was the greatest, kya kahun, she was the greatest, she loved sex. Hum kahin pe bhi karte the. No, seriously, gardens mein, logon ke ghar pe, balcony pe, chhat pe, gaadiyon mein, BST bus pe, haan, I swear, BST bus pe. Let me teach you a lesson. She was complex and so sexy. पता नहीं क्यों, मैं ऐसी लड़कियां मुझे इतनी अट्रैक्टिव क्यों लगती हैं. मैं उन्हें सुसाइड बॉम्बर्स कहता हूं, क्योंकि वो आके तुमसे टकराती हैं और फिर तुम्हें लेकर मरती हैं. थोड़ा सा कनेक्शन नहीं हुआ कि माय इमेजिनेशन स्टार्ट्स टू रन वाइल्ड. आई मीन, आई कांट हेल्प इट. आई एम अ राइटर, आई एम अ फिल्म मेकर, आई एम अ क्रिएटिव गाय, यू नो. Perhaps yahi ek, but crossing the line now, impossible. I'm married. Anyway, Mita se separation ke baad se Samit gayab rehta tha. Mera phone bhi nahi leta tha. Let me ten times, baby. Hum kafi time Mita ke saath bitate the because you know wo depressed thi. 3 for tomorrow, 7 for today. Arey, Samit. Oh shit. Samit. Hi. I'll intro. Hi. Hi. Is Rishi? Hi. Hello. Simi. Hi. Mita? Hi. I Kya hua? I have to go.
मेरा अपॉइंटमेंट है. सच में? अपॉइंटमेंट? व्हाट अबाउट लंच? अरे मीता लंच तो. आई हैव टू गो. सब कोइंसिडेंस यार. या सॉरी अम्मा, क्या नाम बताया तुमने? काया. 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 सॉरी. काया. बैंड्रा. सो तुम करती क्या हो काया? एरोबिक्स. ट्रेनर. एरोबिक्स और ट्रेनर भी. एरोबिक्स ट्रेनर. एंड व्हाई डोंट यू कम फॉर डिनर? शी इज अ ग्रेट कुक. और आज मैंने वेजिटेरियन खाना बनाया है. ओ, आज आज नहीं. चलो फिर कहीं चाट वाट खाने चलते शाम को. हाँ बेबी, मुझे दही भल्ले खाने हैं. यू वांट टू कुक? नहीं एक्चुअली मेरी तुम बोलो बेबी. मेरी माँ आ जाए. तो क्या हुआ यार, उनको भी लेके आओ ना. शी हैज एन आई इंफेक्शन. चेस्ट इंफेक्शन. ओके. एनीवे यहाँ तक आए तो वो कॉफी ले लें. ओ हाँ, यहाँ पर एक सेक्सी सा स्टोर है, मुझे इमली भी लेनी है. चलो साथ चलते हैं. शुड वी? चलो ना बेबी, मैं आती हूँ साथ. चलो ना प्लीज. व्हाई डिडंट यू टेक माय कॉल्स बास्टर्ड? हाँ बकवास मत कर. क्या? मैं तुझे फोन करता हूँ, तू फोन नहीं उठाता है. प्लीज. डिड यू चेंज योर नंबर? नहीं. वन सेकंड. और ये सब क्या है? व्हाट? ये सब क्या है? व्हाट डू यू थिंक यू आर? Will Smith, Men in Black? What's going on? Oh, come on, Samit. ये क्या second childhood है? तू चाट खाने लगा है कब से? Explore, man, explore. पागल. पागल हो गया तू? You've gone crazy. Listen. Boss, she's fantastic. उसकी family जो है ना, जलंधर से, and father is in police. तूने मीता को इसके लिए छोड़ा है? I'm shocked. Listen, you're a friend. सुन, सुन मेरी बात. It's not too late. मीता को phone कर. I think she still loves you. Yeah, listen, I don't need your advice, boss. You're not a saint. Huh? You're not a saint. Excuse me, हम मेरी बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी बात कर रहे हैं. Stick to the topic. Meeta's a lovely girl. हाँ, वो थोड़ी बहुत लड़ती है जरूर. थोड़ी बहुत लड़ती है? तू जानता है उसको? मैं जानता हूँ. मैं रहा हूँ उससे, तू नहीं जानता है. नहीं, मैं नहीं जानता. क्या? एक शॉकिंग बात बता उसके बारे में. शॉकिंग बात? मैं नहीं बता सकता हूँ. Come on. I don't want to hurt her, यार. I would never want to hurt her. इसलिए तू एक item girl पकड़ के लाया. Hey, don't call her item girl, यार. What? Don't call her item girl, please, यार. She was a student of psychiatry. Now she teaches aerobics and she gives me relaxation. You know, Mita used to give me stress all the time, यार. I used to feel stressed all the time. Why? Why should I feel stressed, यार? सारे तो उसका आर्टी टाइप, इंटीरियर डेकोरेटर. कितनी आर्ट फिल्में देखूंगा मैं, यार. पक गया था मैं आर्ट फिल्में देख देख के. I love Mita, यार. I love Mita, but she was cold. मैं कभी उसका मूड ही नहीं होता था, यार. समित, मैंने कभी एश्ट्रे भी मैंने गलत रख दी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी का मर्डर कर दिया है. I've killed somebody. और तुझे 2 साल लगे ये जानने के लिए? 2 years? 2 साल? या मतलब yeah. मतलब नहीं, मैं अपनी गलती मानता हूँ. 2 साल मुझे लगे. मतलब I'm not a snob, boss. मैं जो है दिल में वो साफ है. I'm not a snob. I don't like art. बस. And I want somebody who can have fun, yaar. Who loves life. You have to be a snob. Who can scream? Who can shout? She. Who loves life like that? She screams. मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था, यार. ये सब होता है. She is wonderful. पता है कल उसने क्या किया? हॉट तेरे साथ होता, दरवाजा तुम खोलती हंस के मेरी बेल पे. हैव वन गेट वन मोर फ्री ऑफर होते तरह तरह के.
सांसें ले लूं मैं। Please. Stop it. रा, तेरी माँ जो है वो जानी आई है, वो दिल्ली में आई ना। वैसे तुम्हारा और सिमी का अफेयर कितने साल चला? 4 साल। पर हुआ क्या था तुम्हारे बीच? हम जितनी भी कोशिश करते हमारी रिलेशनशिप वर्क नहीं करती। अलग क्यों हुए? मैं ही चाहता था और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर अब मुझे लगता है कि सिमी ही अलग होना चाहती थी। ओह, तो सिमी ने तुम्हें छोड़ दिया? ये उसका स्टाइल नहीं था। सिमी किसी को भी पागल बना सकती है, चुप होके लड़ती है वो, बेसिकली पैसिव अग्रेसिव टाइप्स। हर बात में मैं बेचारी, मैं क्यों, डोंट डू दिस टू मी। जब पहली बार ऋषि से मिली, ये सुन, ऋषि से जब मिली पहली बार। आप आई कब यहाँ पे? मैं आज सुबह आई सबके साथ। अच्छा अच्छा, हाँ। तो मतलब मेरे कॉलीग्स के साथ, वो सब वहाँ पे बैठे हैं, वो लोग आई थिंक वीकेंड के लिए यहाँ पे रहेंगे, बट आई एम गोना लीव, बहुत काम है। सेम हियर। अच्छा, मेरे पास गाड़ी है, वुड यू लाइक अ लिफ्ट? नहीं, दैट्स ओके, आई मीन आई विल टेक अ ट्रेन। ट्रेन क्यों लोगी? आई हैव अ कार। मैं लिफ्ट दे दूंगा। नो, दैट्स ओके। आई एम वेरी कंफर्टेबल टेकिंग अ ट्रेन, रियली। अच्छा, वेयर डू यू लिव? कोलाबा। और तुम? कोलाबा तो बहुत ही दूर है। मतलब वेयर डू यू स्टे? आई स्टे इन बांद्रा, लेकिन डोंट बी सी बी टाउन। नो, मैं ड्रॉप कर दूंगा। अरे हाईवे से बांद्रा, देयर इज नो प्रॉब्लम। इट्स ओके, आई विल टेक अ ट्रेन। करीम के कबाब्स, ओह, उस दिन खा के दिल्ली में द स्ट्रीट फूड इज एक्चुअली नॉट फीलिंग क्वाइट हंग्री। तुम कुछ लोगे? बिकॉज वहाँ पे कुछ सर्व कर रही है लोग। नहीं, थैंक्स। नहीं, सॉरी, तुम्हें कुछ चाहिए? मैं लाता हूँ। नहीं, मैं वो नहीं मीन कर रही थी। नहीं, आई एम सॉरी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा देखो, आई वाज जस्ट सेइंग कि मैं लाऊंगी। मैं डिजर्ट्स देख लेता हूँ फॉर माय सेल्फ। व्हाट अबाउट यू? प्लीज डोंट बॉदर, प्लीज डोंट बॉदर, बाद में ले लूंगी। ओके, चिकन टिक्का है और सैलेड। सैलेड है? सैलेड खाते है ना? यू वांट सैलेड? नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक्स। वैसे तुम कुछ पियोगे? नहीं, सॉरी, क्या पियोगे? सॉफ्ट ड्रिंक इज फाइन। ओके, और सुनो, मुझे टैक्सी मिल जाएगी स्टेशन के लिए। हां, प्लीज डोंट बॉदर, मैं टैक्सी ले लूंगी। क्या कह रही हो? मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार, इट्स डन, बस। आर यू श्योर? यस। वो उसके लिए सैलेड लाया, फिर अपना प्लान चेंज करके उसे घर ड्रॉप करके आया, और हर वक्त वो कहती रही कि It's okay, you don't have to, you know. It's Bombay, I'll manage, don't worry. Amazing girl. अच्छा, उसने ये नहीं बताया कि रिलेशनशिप के आखिरी 2 साल तो हमारे बीच कुछ नहीं था, आई मीन नथिंग। वो गुस्सा था कि मैं वैसी नहीं निकली जैसा उसने सोचा था। आई थिंक वो मुझ में अपनी मॉम की कार्बन कॉपी ढूंढ रहा था। एनीवे, वो बहुत ही अनरोमांटिक था, यू नो, और वो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। आई मीन, जो बर्थडे पे स्लिम सोना बेल्ट गिफ्ट करता है। स्लिम सोना बेल्ट मैंने कभी गिफ्ट नहीं की। एक ट्रेडमिल दी थी क्योंकि उसने मांगी थी। असली फैक्ट ये है कि शी थॉट आई वाज नॉट हस्बैंड मटेरियल, पीरियड। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तुम्हारी स्क्रिप्ट देख रही थी। नहीं, बेकार है, छोड़ो इसे। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ पर है। अरे, और किस पर लिख सकता हूँ मैं? मेरी इंसल्ट करनी जरूरी थी। इंसल्ट? हाँ, जिस तरह से हम मिले थे लोनावला की पार्टी में। द मोमेंट ही मेट हर, थॉट्स ऑफ जूही रश्ड टू हिज माइंड, एंड ऑल द ब्लड इन हिज बॉडी रश्ड समवेयर बिटवीन हिज लेग्स, बट व्हेन ही फाइनली गॉट टू नो हर, All the dreams evaporated. She was mean, huh? अरे, ठीक तो है। She was not wild like Juhi. But she was boring like me. She's the best woman in the script. इसलिए उसने उसे शादी की।
और फिर पछताना पड़ा। देखो बकवास है, मैं इसे फेंकने वाला था। मैंने कहा बोला फेंकना है, इट्स वेरी नाइस, कीप इट, इट्स आर्टिस्टिक है। देखो प्लीज, मुझे मालूम है तुम्हें ये स्क्रिप्ट मीडियोकर लगती है, तुम्हें क्या समझ में आता है वही तो ना कि डियर एग्नी आंट सिमी, मेरा नाम रजत है, मैं 17 साल का हूँ एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम नाइट फॉल्स, प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी। या हेल्प मी, यू नो आई हैव बीन मेड असिस्टेंट एडिटर ना, बट यू डोंट केयर अबाउट माय जजमेंट, वो और होता तो बहुत सीरियसली लेते। नो नेवर। पता नहीं क्यों मेरे ओपिनियन मांगते हो, बिकॉज़ यू डोंट इवन केयर। कुछ दिनों बाद मीता ने सिमी को लंच पे बुलाया और वहां शी मेड अ सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट। आई लाइक बीइंग सिंगल। मतलब मैं समित के बगैर रह सकती हूँ, आई डोंट नीड हिम। वाओ, मैं तो तेरे बारे में कुछ और ही सोचती थी। बस शुरू का डर है, पर उसके बाद लेट मी टेल यू इट्स अ ब्लेसिंग। या जल्दी उठ के किसी के लिए कॉफी नहीं बनानी पड़ती है। जितना मन करे सो। न्यूज़पेपर्स फ्रेश मिलते हैं, द बाथरूम्स आर नॉट वेट, टीवी रिमोट जगह पे मिलता है, द लिस्ट इज एंडलेस। आई थिंक यू आर राइट। कोर्स आई एम राइट, पर शादी का एक फायदा तो है, अब किसी से मिली आई कैन यूज माई एक्सपीरियंस। यू नो वॉट, समटाइम्स इवन आई वॉन्ट बी फ्री। आई नो। कैसे? बहुत गुस्सा थी ना कब, जब हम लोग अलग हो रहे थे मैं और समित? नहीं, तू गुस्सा थी क्योंकि मैं वो कर रही थी जो तू करना चाहती थी। नहीं मीता, आई मीन ऋषि और हम ठीक है, एंड बिसाइड्स नॉट एवरी मैरिज इज परफेक्ट। वो तो है, अगर सब ठीक भी चल रहा हो तो बहुत बड़ी बात है। एनीवे ये सब बातें छोड़, मैं तुझे किसी से मिलवाना चाहती हूँ। किससे वीर? तेरा ऑफिस वाला अट्रैक्टिव लिटिल हार्टथ्रॉब, ही इज जस्ट जॉइंड। या उसकी गर्लफ्रेंड भी थी बट थैंकफुली अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, ही इज वेरी अट्रैक्टिव। या चल अभी मिलते हैं ना, अभी बेटा। हाँ अरे लेट मी फिनिश माय टी, नो जल्दी खत्म करो ना, देखो अच्छा लगे तो हम सब मिलकर बाहर जाएंगे डिनर खाने के लिए। दैट्स इट, देन शो टू मी वन स्टार, थैंक्स। ओके हाय वीर। हाय। हाय, दिस इज माय फ्रेंड मीता। हाय। She's a cosmetic surgeon. Cosmetic surgeon? Yeah. Wow. Personally, I'm totally against cosmetic surgery, okay? But in this line of work, I've seen some models who look great after the job you guys do. Really? Yeah. Kuch cheeze sirf achhi dikhti hai, if you know what I mean. Mujhe ek fax bhejna hai. You guys carry on. I'll be right back. Okay. Meeta ko milte hi main use chahne laga. I was very attracted to her. Jo dil mein hai, keh deti hai. कुछ नहीं छुपाती, बहुत बहुत ही सेक्सी है। प्लीज हैव अ सीट। इनफैक्ट हमारी मैगजीन का नेक्स्ट इश्यू बोटॉक्स वर्सेस एंटी एजिंग क्रीम्स पर है, हम सब उसी में बिजी है। एक्चुअली आई थिंक जो सर्जन्स कर सकते हैं वो बोटॉक्स वगैरह कभी अचीव नहीं कर सकता। मुझे भी ये चीजें इतनी इफेक्टिव नहीं लगती। आई थिंक अ सिंपल मसाज माइट जस्ट डू द सेम। ओह, आई डोंट लाइक मसाजेस। I find them very messy, very unhygienic. I hate them. तो इस सब का क्रेडिट तुम सिमी को देते हो? हाँ पूरी तरह। पर मजेदार बात यह है कि जब मैं सिमी से पहली बार मिला तो मुझे लगा था कि वो मुझसे फ्लर्ट करी है और शायद अपनी मैरिज से खुश नहीं है। फिर उसके हस्बैंड से मिला और उनके बीच सब कुछ सही लगा। वो ऐसे ही हैं, वेरी गिविंग, और मुझे मीता से मिलाकर तो उसने मुझ पर बहुत बड़ा फेवर किया है। इसका अभी भी ब्रेकअप हुआ है? आई नो, यू टोल्ड मी। आई टोल्ड यू? एनीवे मैं इसे इतनी अच्छी तरह से नहीं जानती, काफ़ी चुपचाप रहता है, जो मुझे इसके बारे में बहुत अच्छा लगता है, और सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। और ड्रिंक्स के बाद तो और भी चार्मिंग हो जाता है। कुछ दिन पहले ऑफिस में पार्टी थी, दो ड्रिंक्स के बाद तो एकदम पोइट्री शुरू कर दी और बीच में रोने भी लगा। सच्ची? रोता भी है? रोता है मतलब यू नो क्यूट तरीके से। तो क्या कहती है, मिलते हैं हम सब एक बार? Actually, he's already asked me out. Really? हम दोनों एक ही कॉलेज से हैं ना? Anyway, अगले थर्सडे। Wow, great, I'll be matchmaker. तुम्हारी दूसरी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। It was wonderful. Great. I was impressed. Thank God you liked it, you know. तो मुझे बहुत इंस्पायर करते हो। बस एक ओपिनियन था। बस एक ओपिनियन? योर ओपिनियन मींस एवरीथिंग टू मी। वो तुम्हारी वो लाइन बहुत अच्छी थी स्क्रिप्ट में। व्हिच वन? लाइफ इज नॉट अ ड्रीम बट अ बैड सास बहु सीरियल।
वॉक पे चलें। सॉरी आई मीन ओके ओके यू नो जिस तरह से तुमने रिलेशनशिप को हैंडल किया है संभाल के टेंशन बिल्डअप किया है इट्स वेरी इफेक्टिव और क्लाइमैक्स ऑल्सो इट्स ब्यूटिफुल यू नो राइटिंग जो है इट्स वेरी सोफिस्टिकेटेड मैं 5 दिनों तक एक ही वर्ड ढूंढती रही जो हस्बैंड्स को पूरी तरह डिस्क्राइब करे कुछ मिल ही नहीं रहा था एंड देन इट फाइनली स्ट्रक मी लंडूर एक्चुअली मैंने डिक्शनरी में देखा लेकिन लंडूर जैसा शब्द कहीं मिला नहीं मैंने बनाया तुमने बनाया लंडूर यू नो कभी कभी मैं सोचता हूं कि मेरा एक आइलैंड होता और साथ में एक यॉट साल के 6 महीने में आइलैंड पे ही रहता इमेजिन जस्ट इमेजिन सुबह सुबह उगते सूरज की रोशनी में यॉट के डेक पर बैठकर लिखता साउंड्स ग्रेट और शाम को समुंदर के बीच किस करता समुंदर के बीच किस न किया तो क्या किस किया तुम्हें क्या लगता है डू यू थिंक फिजिकल अट्रैक्शन लाइफ भर रहता है द लास्ट टाइम आई वाज विद समवन हम किस पे ही रुक गए यू फेल शाय नो बिल्कुल नहीं वो ही वाजंट रोमांटिक इनफ नहीं रोमांटिक तो था अच्छा फिर सॉरी कुछ ज्यादा ही पूछ रहा हूं नहीं इट्स जस्ट दैट We couldn't do it. तुम लोग किस नहीं कर पाए? No, no, not that. Then? मैं डर गई थी. This is very intimate. You know, डरने की कोई बात नहीं. नहीं. Just give yourself. तुम समझ नहीं रहे हो. उसके बाद रागा ने ऋषि से जो कहा उसे सुनकर ऋषि was totally taken aback. It completely changed his outlook towards her. उसके दिमाग में अजीब अजीब तरह के सवाल उठने लगे समित की तरह उसके भी माइंड और बॉडी का बैलेंस बिगड़ गया था पर उसे एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि साइज डज मैटर अरे नहीं नहीं रहने दो क्या कर रहे हो नहीं पता है मैंने एक मेंस मैगजीन में एक सर्वे पढ़ा काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे पहला सवाल था हाउ गुड आर यू इन बेड अच्छा मतलब मर्दों से पूछ रहे हाउ गुड आर दे इन बेड तो मैं सोच रहा था कि तुमसे बेहतर कौन है ये पूछने के लिए कि हाउ अचानक शादी के इतने साल बाद तुम ये सब सोच रहे हो नहीं एक और सवाल था Have you ever made your wife uncomfortable because of your size? What? मतलब कभी you know मैंने तुम्हें तकलीफ दी हो you know bed में और तुमने कभी बताया नहीं तो you know you can अगर कुछ तुम ठीक तो हो ना? Yeah. I don't know. You've been acting really weird today. पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो. Are you thinking of a divorce? Divorce? मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि do I satisfy you or not? Please, that would have told you. Simi. Hey, Simi. क्या हम come on. Are you mad? मैं काम कर रही हूँ, have a deadline to meet, Rishi. Yes. Hi. Hi. Hi.
हाय ओ या मैं ओ कम इन कम इन कम इन कम इन कम इन नहीं आर यू श्योर बिकॉज़ आई कैन नो 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 प्रॉब्लम तू या कैसे है तुमने कहा था ना पैरामाउंट टावर्स तुझे कैसे पता चला फ्लैट नंबर वॉचमैन ने बताया वॉचमैन को कैसे पता चला उसने कहा यहाँ पर काफी मेडिकल सप्लाईज आते रहते हैं इज एवरीथिंग ओके आई मीन ओ ओके नहीं वो मेडिकल सामान आता है ना कम कम सिट तू तो बिल्कुल बैचलर जैसे रह रहे हाँ यार ओए कहाँ पे बैठ गया क्यों टू मी ऐसे ही थोड़ा एडवेंचर जरा शॉपिंग किया ना बैंगलोर गया था बैंगलोर या बैंकॉक मतलब समझ ले यार बहुत मजा आ रहा है शटअप No, please, Puchku? हाँ आजकल मेरे नाम रखे हैं ना Puchku, Sweetie Candy, Sweetie Bopara, नए नए नाम रखे मेरे Sweetie Bopara? Yeah, very imaginative. I'm coming. Puchku? Condom. 540 रुपए साहब वो पैसे चाहिए थे अभी दे रहा हूँ पैसे अभी दे रहा हूँ सुबह से मंगा रहा हूँ लाया थी देर में अभी दे रहा हूँ साहब कम आजा एक चीज बता हाँ हम दोनों एक ही एज के हैं ना तू जो क्या वायग्रा शायद ले रहा है क्या कर रहा है यार नो वायग्रा नेवर यू नो यू हैव टू डिस्कवर स्ट्रीम ऑफ एनर्जी फ्रॉम विद इन ना तू देख अब हम दोनों एक ही एज के कौन बोलेगा हम दोनों की एज बराबर है सी तू अपने आप को देख और मुझे देख देख मैं कितना यूथफुल लग रहा हूँ एंड यू आर लुकिंग लाइक एन अंकल मैन और मीता के साथ तो मैं ऐसे ही दिख रहा था अंकल या आई एम सी मी एंड वैरायटी इज द मंत्र बॉस वैरायटी स्वीटी मेरा स्पोर्ट्स ब्रा का है डॉल के पास होगा डॉल के पास डॉल बैंकॉक से लाया कहीं तुमने तो नहीं पहन रखी नहीं मैंने कहा मैं स्लिप हो गई है स्लिप होकर पीछे लगी बहुत स्लिपरी है हाँ ला रहा हूँ अभी वैरायटी द की मैन बट जस्ट स्वीटी आ गया स्वीटी बोपारा एक्सक्यूज मी डू यू थिंक दैट वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ लाइक समित सेड रबिश क्या बन गया देखा Puchku आई मीन इज कंप्लीटली लॉस्ट इट काया मेरे स्टूडेंट्स की तरह I mean, she's young and sexy. लेकिन इसका मतलब नहीं कि हर young and sexy लड़की के साथ तुम अफेयर करोगे, उसके पीछे भागोगे, कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए for God's sake. He has completely lost it. पर रागा, रागा, you also like her, don't you? What do you mean? तुम ही तो उसे compliment देते रहते हो. Don't you like her? Come on, it can't be seen. You like रागा. Hello, don't you? You love रागा. Hi Veer. Hi Simi. मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ. Oh thanks. You're a sweetheart. काफी बिजी लग रहे थे, so I thought. गरम है, वहाँ पे रख दूँ? Yeah sure. अरे, तुम लोग कॉन्सर्ट जा रहे हो? हाँ, राहत फतेह अली खान. Oh wow. Yeah, I just hope Mita likes that kind of music. I'm sure she will. Okay, tell me what you think, Simi. कॉन्सर्ट के बाद मैंने सोचा है कि टाउन में ही रॉयल दरबार में डिनर करेंगे. Oh, that's beautiful. Yeah. I like all those chandeliers and the candlelit tables. Yeah. It's very intimate. Very romantic. अजीब लगता है किसी को डेट करना जिसकी शादी अभी अभी टूटी हो. Yeah, that's true. मैं बहुत old fashioned हूँ. Candlelight dinners और ghazals, ये सब मुझे बहुत पसंद है. मुझे भी. रेनू कहती थी मुझे 50s में पैदा होना चाहिए था. उसे ये बहुत मशहूर लगता था. No, I think it's so sweet. तुम्हें भी ये सब अच्छा लगता है ना? मुझे बहुत अच्छा लगता है. I know. क्या मैं तुम्हें अभी भी अट्रैक्टिव लगती हूँ? Simi, of course. सच में? कहा ना? लेकिन आजकल तो हम कुछ करते ही नहीं. वो तो हमारे शेड्यूल्स अलग अलग हैं. लेकिन पहले तो जब हम चाहते थे, we used to find the time. Simi,
पहले जब हम कहीं पे भी शुरू हो जाते थे तुम्हें कितना डर लगता था, कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा, ये वो, और अब वो सब रोमांटिक लगने लगा है। लेट्स गेट सम स्लीप, गुड नाइट। क्या तुम्हें दूसरी लड़की अट्रैक्टिव लगती है? मैंने कहा ना नहीं। क्यों, तुम्हारी कॉलेज स्टूडेंट्स सब तुम पे मरती होंगी ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब जानते हैं आई एम मैरिड। कट रहा है रास्ता, जिंदगी ये सफर में कट रहा है रास्ता। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा, हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। जिंदगी ये सफर में कट रहा है रास्ता, जिंदगी ये सफर में कट रहा है। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा, हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। जिंदगी ये सफर में कट रहा है रास्ता, जिंदगी ये सफर में कट रहा है रास्ता। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा, हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। It was great, wasn't it? It was good. Music बहुत अच्छा था. Music अच्छा था. लेकिन seats बहुत uncomfortable थी. Don't you think? Oh, sorry. I'm already getting a cold. Sorry. खाना अच्छा था. Oh, I'm glad you like something. पर cook को बिरयानी बनानी नहीं आती. इससे अच्छी तो मैं घर पर बना लेती. Oh. तुम आ रहे हो? Would that be okay? Sure. Coffee? Sure. I'd love to. God. Nice place, Mita. मुझे नहीं पसंद. मेरे डेकोरेटर ने सब खराब कर दिया. Oh. Anyway, I'm looking for a smaller place, you know, maybe in लोखंड वाला. Oh. Funny ना? Life कैसे बदल जाती है? पता ही नहीं चलता. दोबारा शादी करने का इरादा है? God no, love being single.
कुछ लोग शादी में ही खुश रहते हैं। Not me. मुझे तो लगता है कि मुझे कर लेनी चाहिए। Really? क्यों नहीं की? पता नहीं, एक बार बस होने वाली थी पर हुई नहीं। कॉफी। थैंक्स। मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। ओह। नए लोगों से मिलना चाहती हूँ। मिले तो that's great. Otherwise, I'm fine. Yeah. You'll get what you want, Mita. You're beautiful. Wait, Veer. I'm not ready, okay? Sorry. I'm sorry. मुझे थोड़ा टाइम लगता है। I understand. काफी दिनों तक किसी से नहीं मिली। With whom I feel comfortable. Do you like my company at least? If I didn't, तो मैं तुमसे मिलती भी नहीं। Thanks. कॉफी अच्छी बनाई है तुमने। Thanks. Mita, I really had a wonderful time with you tonight. I did too. Veer, please. I'm sorry, Mita. It's just that I really like you. गलती मेरी है. Actually, my marriage has been dead for so long. खैर, सब कुछ कभी ना कभी तो खत्म होता है, right? और पता भी नहीं चलता कि कब. लेकिन मुझे पता चल गया था. That's what's killing me. मैं मार्केट गई हुई थी. और समित उन दिनों बैंगलोर गया हुआ था पर अचानक जस्ट बाय एक्सीडेंट सही है देखिए ये भी है सर या दैट्स गुड but what's the size? 32B. 32B मतलब कितना? Driver, घर चलो. अभी तो बताया आपको. 32B मतलब 32B. नहीं नहीं आप समझे नहीं मतलब क्या है कि जैसे मुझे visual memory है कितना है but 32B कितना होता है that I don't know मतलब आपसे थोड़ा छोटा. अरे ब्रा लेके भागे पकड़ो. मीता मीता तुम खाना खा रही हो बैंगलोर कैसा था ओ वेरी टायरिंग मेरा बॉस भी ना एक मिनट ही छोड़ता रियली मैं ना के आता हूँ I was angry and I was hurt. काफी दिनों तक वेट भी किया सोचा खुद बताएगा He never told me anything. इतना suspicious होने के बाद भी मुझे ऐसा incident नहीं मिला जिससे मेरा शक बढ़ता तो मैंने सोचा भूल जाती हूँ सब ठीक हो जाएगा पर भूल नहीं पाई क्योंकि अब मैं उसे अपनी लाइफ से निकालने का सोचने लगी थी हमारे बीच टेंशन काफी बढ़ गया था बड़े बड़े झगड़े होने लगे थे और अब मैं अकेली हूं उनमें से एक जिसे शायद शादी कर लेनी चाहिए Raga? Hi. Hi. I'll just see you guys. Bye. तुम कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही थी. Okay. मैं तुम्हें छोड़ देता. मैं काफी दूर रहती.
No problem. Come, come. Are you sure? Sure, sure, sure. Come meet the parents. They'd love to meet you. आंखें देख तो लो मैं कैसे रहती हूँ. Okay. रागा, रागा, रागा. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैं तो इसलिए हैं? इसलिए नहीं मिल रही हो तुम मुझे? What do you mean? What? तुम गलत समझ रहे हो. नहीं नहीं मैं मिलना चाहता था, देखना चाहता, दिखता कैसे. But I'm not impressed, not at all. ये मेरा boyfriend नहीं है, he's my professor. Oh, तुम्हारा professor? हाँ. अच्छा? Yes, sir, I'm a professor, Rishi Sharma. Nice to meet you, professor. बस करो चिराग. अच्छा एक 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 बात बताओ professor, तुम अपने सारे students को seduce करते हो, या फिर you have a choice? I mean. क्या क्या क्या? Hey, come on, enough. I'm sure he doesn't scare you, does he? Scare you? I don't understand. तुम यहाँ कर क्या रहे हो? Please, give me one more chance, please. Chirag, stop behaving like a teenager, okay? I'm sorry. तुम sorry? तो मैं क्या? तुमने कभी सोचा कि मेरा क्या होगा? नहीं कभी सोचा? Have you ever thought? I just can't, okay? I'll be gentle. No, I can't. भाई साहब समझाओ ना इसको, please. देखो मेरी 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 गलती थोड़ी है. देखो are you okay? रागा मेरी बात. Please go, and it's a big no, okay? रागा मेरी बात तो सुनो. देखो अरे we'll manage. देखो एक मौका दे दो. Rag. I'm sorry, I just can't breathe. रागा वो था कौन? जानना चाहते हो तो मुझे शुरू से बताना पड़ेगा, काफी लंबी कहानी. Yes, please. Okay. तो ये कोर्स ज्वाइन करने से पहले मैं घर पे बैठ के बोर होती थी, तो डैड ने मुझे अपने ऑफिस ज्वाइन करने को कहा एज अ ट्रेनी. तो वहाँ मैं एक और ट्रेनी से मिली, उसका नाम रघु था. तो उसका रिसेंटली डिवोर्स हुआ था. तो और तो ये रघु तुम्हारे डैड के कॉलीग है? नहीं नहीं ये रघु नहीं है, दिस लीड्स अप टू हिम. तभी मैं शुरू से बता रही हूँ. रघु घर भी काफी आता था, एंड देन वन डे ही टेल्स मी ही लव्स मी. आई वाज फ्लैटर्ड. अराउंड द सेम टाइम मैं रघु के भाई राजीव और उसकी बीवी सूजन से मिली. हम घंटों बैठ के रघु की बातें करते थे, एंड देन वन डे राजीव टेल्स मी ही हैज अ क्रश ऑन मी, राइट? तो ओ तो ये रघु का भाई राजीव है? नहीं ये राजीव नहीं है, दिस लीड्स अप टू हिम. पर प्रिटी सून आई हैव सीन बोथ ऑफ देम. पर खुश होने के बजाय मेरी फीलिंग्स बहुत मिक्स्ड अप हो गई थी. आई वाज मिजरेबल, आई हैड दीस डार्क सर्कल्स. माय नेबर चिराग, ही सॉ मी लाइक दैट. उसने मुझे अपने घर कॉफी पे बुलाया, एंड आई थॉट व्हाई नॉट. मैं उसके लाइफस्टाइल से काफी इंप्रेस हुई. बैचलर 40, ही आल्सो गेव मी अ शोल्डर इन टफ टाइम्स. देन वन डे ही टोल्ड मी दैट उसको ये रघु राजीव बुलशिट नहीं सुनना, बिकॉज ही इज फॉलिंग फॉर मी. बट दिस इज द वन आई टोल्ड यू, द वन विद द प्रॉब्लम. ओह तो ये है जिसका बड़ा? Yeah. He's a nice guy and all, but then I met Zaheer at the gym. वो मेरी एज का था. नहीं 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 रागा, thank you. No, that's enough. That's वो बहुत sweet था and he liked me. मुझे जब होश आया तो मैंने सोचा मैं इन oldies के साथ कर क्या रही हूँ. I cleaned up my act और मैं तब से Zaheer को date कर रही हूँ. God, तुम्हारे पास इतना material है कि एक debut feature film और साथ में sequel भी बन सकता है. नहीं और एक 100 episode का daily soap भी. तुम्हें नहीं लगता कि मैं ठीक कर रही हूँ? आई मीन जहीर के साथ मुझे अच्छा लगता है, पर मुझे ऐसे लगने लगा था कि मैं हर 30+ मेल की कोई अनफुलफिल्ड फैंटेसी या ड्रीम बन गई. नहीं तुम हमेशा सही हो, मगर यू नेवर वांट टू. रागा दिस इज प्रोफेसर ऋषि शर्मा. ओह हेलो, हाय, बहुत खुशी तुमसे. हेलो डैड. सर इट्स एन ऑनर. हेलो कैन आई गेट यू समथिंग? नहीं थैंक यू, एक्चुअली सर दर्द की दवाई है तो प्लीज. अब कुछ ही दिनों में रागा का बर्थडे आ रहा है. अच्छा होगा अगर तुम आओ. पा ये नहीं आना चाहते हम. आप अपनी वाइफ के साथ चले आइए ना, हमें अच्छा लगेगा. मां को मेरे बर्थडे पर नहीं आना है. तुम्हारा बड़ा इन्फ्लुएंस है इस पर. शी इज वेरी इंप्रेस्ड बाय यू. शी इज अ वंडरफुल गर्ल. हमारे लिए ऑनर की बात होगी अगर तुम आओ. पा ये नहीं आएंगे. सिमी फाइनली तुम्हारी पहुंच पड़ी. ओह रियली? या ओह थैंक्स. आई ऑनेस्टली बता क्या सोचा? बहुत अच्छा लगती हो. रियली? आई कांट बिलीव इट, जस्ट अ हॉबी ऑफ माइन. नो दे फुल ऑफ फीलिंग्स. या तुम्हारे हस्बैंड क्या कहते हैं? ओह मैं हस्बैंड को नहीं लगा सकती, ही इज वेरी क्रिटिकल अबाउट माय राइटिंग. या वेल आई ऑब्वियसली मैं तो सीरियसली नहीं लिखती हूं. आई यू नो बट आई एम सो हैप्पी यू रेड इट. ग्रेट.
वो जो तुमने अल्मोड़ा पर लिखी है ना, वहाँ पे एक नदी है। I'd love to live there, you know. In fact, मैं तो सोच रही थी कि मरने के बाद मेरी राख भी उसी नदी में बहाई जाए। Really? Yeah. In fact, मैं भी रेणु को उसी जगह के बारे में बताता था। What? Really? मुझे भी वो जगह बहुत पसंद है। I can't believe it. Wow. लंच बाहर करें? हाँ चलो। चलो। Back to work, huh? Yeah. Simi. Hmm? मैं तुमसे honestly कुछ बात कर सकता हूँ? Yeah, of course. I wanted to thank you for introducing me to Mita. I think I'm in love with her. इतनी जल्दी? But I don't think she's interested. Oh, well, उसका तो अभी separation हुआ है, so. हाँ, पर मेरे साथ ऐसा है कि जब मैं किसी को चाहता हूँ, तो रुक नहीं सकता. You have to give it some time. क्या वो सच में इतनी अच्छी है जितनी लगती है? मीता? हाँ, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. She's honest, you know, and decent. So, जितना ही बोलो उतना ही कम. Simi, thank you so much. तुम्हारा opinion मेरे लिए बहुत important है. Thanks. You know, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है. Just अरे, क्या हुआ? पता नहीं, शायद lunch में कुछ. I'm gonna go to the loo. नहीं, it's okay. I'm fine. पता नहीं क्या सोचकर मैंने इन दोनों को मिलवाया, जब ऑब्वियसली मैं खुद उसे लाइक करती हूँ. शायद मैं कंफ्यूज थी, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या चाहती थी. पास बर्थडे वाले दिन में क्या लक है ना मेरा. वैसे तुम कैंडल लाइट में काफी अच्छी लगती हो. थैंक्स. हे, वो लाइटनिंग देखी तुमने? ये बारिश तो बढ़ती जा रही है. हाउ दीज पीपल गोइंग टू गो होम? रागा, हैप्पी बर्थडे.
वाओ। मैं असल में मैं बाहर नहीं देना चाहता था क्योंकि बहुत से लोग हैं और गलत समझते हैं। It's lovely. Thanks. It's beautiful. But you know what I really want? What? A birthday kiss would be nice. A birthday kiss. That's all. That's all. Birthday kiss hi to tha. Come on, you know what I mean. तुम्हारा बॉयफ्रेंड बाहर है। I know. It's not serious. It's not serious. मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। I mean, okay, मैंने ऐसा सोचा है। I mean, हजारों बार सोचा है, but this is crazy. This is crazy. Actually, it's disappointing. Disappointing? Raga, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बाहर है। Oh come on! इतनी तेज बारिश हो रही है। It's my 21st birthday. Don't you want to do something wild for a change? Even if it's stupid. I'm sorry. I think I'm high. नहीं मैं मतलब मैं बस मतलब तुम्हें एक रियल किस चाहिए, अ प्रोफेशनल किस। या दोनों होंठ एक साथ, लिप्स मतलब अपर लिप लोअर लिप लॉक्ड। सोचा तो बहुत बार था पर कभी कर नहीं पाया। अब व्हाइल आई वाज किसिंग रागा आई रियलाइज्ड आई ऑलवेज वांटेड दिस। बारिश बढ़ती चली जा रही थी। मुझे लगा कि कभी भी लाइटनिंग अंदर आ सकती है और मैं मर जाऊंगा। आई कुडंट ब्रीथ। आई फेल्ट आई वाज डाइंग एंड इट वाज वंडरफुल। इट वाज ग्रेट। It was fantastic. It was amazing. लेकिन हमें फिर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। Why? What happened? Look at us, Raga. अगर तुम थोड़ी बड़ी होती, if I was younger, then maybe. But no, this is never going to work. Sure. I'm sure. Well, I knew it would end just like this. Did you? Yeah. वहां से निकलकर बारिश में भीगता हुआ मैं घर की तरफ चल पड़ा। I don't know, but I wanted to hold Simi. I just wanted to go home and kiss and hold Simi. Excuse me. तो फिर कैसा चल रहा है आजकल? क्या कैसा चल रहा है? I mean, how are you? I'm fine. Great, fantastic. अभी संडे को सुबह सुबह हम लोग जॉगिंग करने गए थे मरीन ड्राइव पे। अच्छा लगा। एक्सरसाइज करता हूँ, रेगुलर एक्सरसाइज, जिम जाता हूँ, अभी स्टीम सोना लेके आ रहा हूँ। एंड काफ़ी फिट लग रहा है वैसे। आई मीन यू लुकिंग नाइस। आई लाइक माई सेल्फ टू बी इन शेप। या और कैसा चल रहा है सब कुछ? मतलब हाउज लाइफ? और सैलेड खाता हूँ। नॉनवेज तो बंद हो गया, नॉनवेज को तो हाथ भी नहीं लगाता। एकदम टोटली कभी कभी थोड़ा सा खा लेता हूँ, बोर होता हूँ तो। घर में रहना पड़ता है ना, लेकिन इसको पता चलने नहीं देता मैं। नहीं पर सारा दिन घर पे करते क्या हो? टीवी देखते हैं। अभी डीवीडी पे पिक्चर लगाई थी, क्या नाम है, वेलकम 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 आशा दी, वही नाम था। अच्छी टाइम पास पिक्चर है, अच्छा लगा, मज़ा आया। मतलब मैं हंसा, मतलब मैं खूब दिल खोल के हंसा, मुझे गिल्ट नहीं हुआ, बगैर गिल्ट के। मीता के साथ रहो तो फिर गिल्ट होने लगता है हंसते हुए। शी डजंट लाइक दिस काइंड ऑफ फिल्म, शी हेट्स दिस फिल्म। और मीता से मिले कभी बीच में? नहीं, मुलाकात नहीं हुई, बहुत दिन हो गए। मतलब गिल्टी फील नहीं कर रहा हूँ, बुरा नहीं लग रहा मुझे, कभी कभी याद आ जाती है उसकी। आई मिस हर समटाइम्स।
और काया, काया के बारे में कुछ बताइए। ये ना, ये इंटेलेक्चुअल नहीं है, इसे कभी कभी आर्ग्यूमेंट हो जाता है। नो सर, आई सेंट इट लास्ट टाइम, आई डोंट नो व्हाई आई डिडंट गो, मेबी द फाइल बढ़ गया, यहाँ भी बढ़ गया, पेपर में भी आ गया। मैंने बोला था तुम्हें कल, सुनते कहाँ हो तुम मेरी? देखो बढ़ गया, क्या बढ़ गया? सेक्स बढ़ गया, 5000 से 9000 पॉइंट्स हो गया। सेंसेक्स सेक्स के बारे में नहीं होता है, कंपनी शेयर्स के बारे में होता है। ओके, वेरी मिस्ट इंटेलिजेंट। सेक्स के बिना तुम्हारे कंपनी वाले भी नहीं रह सकते, समझे? या मतलब छोटा मोटा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट रहता है बस। यू थिंक तुमने ये जो डिसीजन लिया अपनी वाइफ को छोड़ देना और काया के साथ रहना, क्या ये सही था? व्हाट आई मीन, तुम अपनी वाइफ को छोड़कर काया के साथ रह रहे हो? व्हाट डू यू मीन? मतलब काया को के साथ रहने के लिए तुमने? नहीं, व्हाट डू यू मीन डिसीजन ठीक है कि नहीं? मेरा मतलब लोग नहीं, व्हाट कुछ तो पूछते होंगे। नहीं नहीं, लिसन, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन ठीक है कि नहीं? मतलब अपनी वाइफ को छोड़ देना? नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, क्या जवाब क्या देते हो? बस बस बस, फिर भी बस। हाय शमित। हाय। हाय। लुकिंग गुड यार। या। या। तेरी एज का कोई पता नहीं लगा सकता है। जिम विम करता है क्या? या। जिम विम कर रहा हूँ, स्विमिंग कर रहा हूँ, एंड देन यू नो आई एम टू योगा, एंड मेरे चेहरे पे थोड़ा तेज दिख रहा है क्या? हाँ। चमक चमक जैसे होती है। हाँ। या। सो इट वर्क्स। मोटापा कम करना हो, ब्रेस को इनहांस करना हो, लव हैंडल्स को टोन करना हो, या एब्स बनाने हो, मेरे पास सबकी एक्सरसाइजेस हैं। मैं आप सबको करके दिखाऊं? चलो अंकल खड़े हो और अपनी कुर्सी को फटाफट आगे लेकर आओ और कुर्सी पर बैठ जाओ। यहाँ पर नहीं, ऊपर बैठिए आंटी। अरे मैं गिर जाऊंगा ना। आंटी को बुला रही हूँ ना। आंटी आप आइए और अंकल को कमर से पकड़िए। वैसे वो मीता मिली थी यार, आजकल किसी को डेट कर रही है, बता ना रितु। डेट कर रही है? हाँ। ओके सर, आई विल जॉइन यू सर। डेट? हाँ, वो एडिटर है। मीता सीरियसली डेट कर रही? अब वो तो नहीं पता। वैसे डोंट माइंड यार, पर तूने अच्छी लड़की छोड़ दी। अब ये भी तो आजकल एंजॉय कर रहा है। बट नो, बट ही इज राइट, मीता इज नाइस। वैसे आजकल अच्छी लगती है, हेयर स्टाइल वगैरह सब चेंज कर ली। हेयर स्टाइल चेंज हो गया? चलते हैं। कैसा कैसा? अच्छा, लिसन, बाय बाय बाय, चल सी यू। सी यू। Where is Kaya? Breathe in. Breathe out. Number two. Two. Three. फिर से सांस भरो। एक मिनट। आंटी आप भी अपनी सांस पकड़ के रखना। अरे बाप रे, ये क्या कर रही है? Four. काया? हाँ समित। What is this? देखो ना, मैं इनको अपने एरोबिक्स के नए एक्सरसाइज सिखा रही हूँ। ओके। Five. ये लोग कितने मोटे और अनफिट हैं। They are not unfit, Kaya. Kaya, we have to go. समित, तुम उनको वो क्यों नहीं करके बताते जो तुम रोज सुबह सुबह करते हो टॉयलेट जाने से पहले? टॉयलेट? या। समित, don't be a spoil sport ना, बताओ ना इनको। तुम चुप नहीं रह सकती क्या? जरूरी तुम्हारा, तुम है ना जलते हो मुझसे। देखो तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, वो भी सबके सामने, इतना रूडली। अरे तुम वही क्या कर रही थी, क्या कर रही थी तुम? मेरी इतनी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं करी। देखो मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारा ये सब, तुम्हारा एरोबिक्स वेरोबिक्स है ना, ये सब बकवास बकवास नहीं है। ओके, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ यू, घास फूस, एंड सुबह सुबह उठ के ओ गॉड ये योगा जॉगिंग समाधि, इट्स ऑल बुलशिट, इट्स क्रैप। ओके कम कम, चलो चलो चलो। कैसे कर दिया, बात कर सकते हो? तुम मुझको एम्बैरेस करना चाहती हो? एम्बैरेस? ये सब सीरियस लोग हैं, ये सब बड़े लोग हैं, ये सब सीरियस बातें हो रही थी। तुम अपनी दुकान खोल के बैठ गए ऐसे? डोंट यू डेयर कॉल इट दुकान। इट्स अ दुकान, इट इज अ दुकान। कम 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 कम, आई एम नॉट कमिंग। कम, यू हैव टू गो। आई एम नॉट कमिंग। यू हैव टू गो। आई एम नॉट कमिंग। ओके बेबी, इट्स नॉट अ दुकान। ओके कम कम, नॉट कमिंग। कम कम कम, आर यू मैड?
Are you mad? देखो मैं इतना चिल्लाऊंगी, चिल्ला चिल्ला के तुमको मैं embarrass कर दूंगी. Threatening me? Yes. Threatening me? Yes. Okay, चिल्ला, देखता हूँ कितना चिल्लाती. देखे. I hate you and your stupid, fat, no, idiotic, no, sputty, no, friends. No. Yes. No. Yes. No. You ruined me. You ruined me. You ruined me. You. What? Please, please, come. मैं नहीं आ रही हूँ. Come. मैं नहीं आ रही हूँ. Come. What have you done? Sit. Come. मेरा बैग कहाँ है? Come. तुम्हें तो पी रखी, तुम कैसे गाड़ी चला सकते हो? Sit. 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 Oh God, forgive us. We are just human. Forgive us, God. Drunkard! Kaya! Kaya! Car mein chalo. Don't touch me! What are you up to? Oh, Meetu. Forgive me, Meetu. Oh, God. Forgive me. Pridhin, Pridha. Meetu, forgive me. Veer aur tumhare beech kya hua? Nothing. Kuch nahi. In fact, kuch bhi nahi. Matlab? My mind is always racing. Rukta hi nahi hai. Sunoge to hasoge. Like what? Veer jo bhi kar raha tha, मुझे अच्छा लग रहा था. समित से काफी अलग, मोर जेंटल, एक्साइटिंग. फिर मैं सोचने लगी कि वीर की सोच कितनी अलग है समित से, इतनी डीप है इसके थॉट्स. फिर मुझे लगा कि वीर कछुए की तरह है, सब कुछ आराम से धीरे धीरे करता है, और समित तो खरगोश की तरह है, जल्दी जल्दी, विदाउट एंजॉयिंग द मोमेंट. देन आई थॉट कि सिमी भी कछुआ है और ऋषि खरगोश. फिर उन सब लोगों के बारे में सोचने लगी जिनको मैं जानती हूँ, कौन कौन खरगोश है, कौन कौन कछुआ है. लेज़ली एक फ्रेंड, वो कछुआ है, उसकी वाइफ प्रिया. तुम्हारा ध्यान कहीं और है शायद. नहीं, बिल्कुल नहीं. ये आवाज क्या है? यहाँ काफी चोरियां हो चुकी हैं. तुमने दरवाजा लॉक तो किया था ना? क्या? आई थिंक सो. वीर, वीर पुलिस को फोन करो ना. हेलो, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं? तुम कौन हो? तुम कौन हो? What? अरे तुम कौन हो? अरे, हाँ? पागल है क्या? तुम? समित, तुम? मीता, तुमने घर के ताले क्यों बदल दिए? और तू? और ये कौन है? ये मेरा हस्बैंड है. None of your business. निकलो तुम. नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ. Is there a problem? Is there a problem? Problem with you? Me? Being here. ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है यहाँ? Look, she said leave. Is sleeping with you? Hey, watch your tongue. Yeah, it's not a matter of my tongue, boss. It's matter of husband, wife, and she's my wife, boss. Okay, stop. Veer, please तुम ऊपर जाओ के मैं संभाल लूँगी. Are you sure? Yeah. ये वहाँ का जा रहा है, ये ऊपर का जा रहा है. Look, I know what I'm doing, huh? ये हमारे bedroom में जा रहा है, मीता. वो अब तुम्हारा bedroom नहीं रहा, huh? It's mine. हमारा bedroom. Coffee पी और निकलो समित. क्या? What? What are you doing? मैं वापस जाना चाहता हूँ मीता. क्या? अपनी मीतू के पास. तुम क्या पी के आए तुम? हाँ, गॉड, मेरी तो लग गई आज. समित, ये ना तो टाइम है या जगह है ऐसे कॉन्वर्सेशन के लिए. जाओ तुम, गेट आउट राइट नाउ, गो. समित, दिस इज माय हाउस. नो नो नो, दिस इज माय हाउस. गो, गेट आउट राइट नाउ. ये घर मेरा है. ये घर मेरा है समित. आई वांट यू आउट ऑफ इट. हमारा घर है समित. आई वांट यू आउट ऑफ दिस हाउस. अच्छा, मुझे गलती हुई मीता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई. How important this relationship is to me, and I can't live without Mita. Hey man, just forget it, yaar. Just leave us alone. Mita, please, just give me 2 minutes, okay? You're going. You're going. Work on this relationship, Mita. I've just realized that. No, Samit. And how ridiculous. See how? Hey. Oh, what's happening?
तुमने अपने बाल कैसे कटवा लिए? मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। तुमने आईना में देखा क्या? ये क्या झाड़ बना रखा है अपने सर पर? I want you out. Get out. Change this. Get out. I'm serious, Samit. Get out right now. No. Samit, stop. No. Samit, क्या बच बना है? इसमें तुम्हारी भी गलती है, इसमें मेरी अकेली गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती क्या? मैं समझना चाहिए तुम्हारे साथ रहना कितना मुश्किल है। मैं तुम्हारे साथ रहता था because I love you. You don't know. तुम्हारी शादी में problems ही problems हैं। हाथी, कुछ तुम्हारी कुछ मेरी। You cheated on me, Samit. तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम किसी और के साथ सो रहे थे। हाँ, चिल्लाओ चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, जोर चिल्लाओ, सबको सुनाओ, कोई है घर में? जानता है वो, सब कुछ जानता है। सब जानता है वो, सब जानता है वो, सब जानता है। वेरी गुड वेरी गुड, सब जानता है वो, सब जानता है वो। मीता सब कुछ जानता है? हाँ सब कुछ जानता है। लिसन मीता, यू टेल मी, कोई दुनिया में एक कपल ऐसा बताओ जिसमें प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, यू नो इसका मतलब थोड़ी आप दूसरे के साथ रह रहे हो उसके साथ? नहीं नहीं नहीं, बकवास। एनीवे मुझे भी कोई मिल गया जिसे मैं लाइक करती हूँ। जिसे तुम? मुझे भी कोई मिल गया जिसे मैं लाइक करती हूँ। मीतू, 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 उन सब सालों का क्या जो हमने साथ गुजारे? How dare you? Baby, मीतू, जब तुम्हें सूट किया था, तब कहाँ गए थे वो साल? हाँ, tell me, हाँ, बोलो, where were you? Where were you? हाँ, tell me. I'll tell you. Listen, I was confused. In my body and mind का मेरा balance खराब हो गया था. My body was taking over. And it was affecting my decisions. God, no. You know? I can't hear this anymore. I want you to leave, Samit. Listen. Hum kal baat karenge, okay? Please, we'll talk about this tomorrow. Kal nahi, kal. Kal toh I will die. Mitu, please save me from tomorrow. Samit, no, no, Mitu, Mitu, I'll Samit, die. Please, aisa mat karo. Listen. Samit, I can't take it. Please, look. Main bahut confused hoon, please. Dekho, humara naam kaise, dekho. Dekho. Samit, Mitu. Samit, Mitu. Nahi, please, Samit, no. They're to each other. Please, tum jao, please. They're made for each other. I love you from my guts. Me too. I miss you. I miss your smell. तुम ऐसे क्यों हो? तुम समझते क्यों नहीं हो? I miss your smell. ये कौन है? कौन है? जाने दो इसको. मत जवाब. नहीं. हम भाग जाते हैं. Me too. हम कहीं चले जाएंगे. Me too. जाने दो. Me too. इसको. Wait. मुझे साबित से मिलना है. Oh my God. मैंने मना किया था इसको अंदर आने के लिए। निकलो बाहर, टेबल से निकलो बाहर, बाहर निकलो। तुम बाहर निकलो वरना मैं अंदर आ रही हूँ। बाहर निकलो ना। मैंने तुमको बोला था अंदर नहीं आने के लिए। तुम बाहर आओ वरना मैं अंदर आ रही हूँ। तुम अंदर क्यों नहीं? पुलिस मेरे बोर्ड जाएगी तुम्हें। छोड़ के आए हो। अरे, देखा? कैसे लाइफ बर्बाद कर रही है तुम मीता? तुमने इसको चूज किया था ना? रहो इसके साथ। ग्रेट चॉइस। आया। कम इन, आप भी आ जाइए। ये हम चारों के बारे में, यहाँ कोई सीक्रेट नहीं है। प्लीज कम कम। चलो उतारो वो तुमको मैंने जो जी स्ट्रिंग दिया था गिफ्ट में, अभी उतारो। व्हाट? जी स्ट्रिंग? अभी उतारू? हाँ, मुझे अभी चाहिए। यहाँ उतारू? हाँ यहाँ चाहिए। Stop. अभी यहाँ कैसे उतारूंगा वो मैं तुम? Stop it. Stop it. Stop it. All of you, get out. मीता, मैं तुम्हारा जी स्ट्रिंग अब भी दूंगा तुम्हारा जी स्ट्रिंग, ओके? मीता, मेरा कोई पुराना अंडरवियर पड़ा हुआ है वहाँ। मीता, अभी देता हूँ। मुझे मेरा जी स्ट्रिंग चाहिए। Hi. I'm Veer, by the way. I'm Kaya. And I'm an aerobics instructor. Mere card chapne wale hain. And my number is 9877754. Aap use please mobile mein feed kariye na. Main bahut achhi achhi exercises sikhati hu aerobics ki. 9877 777 5564. 9877 7 7 7 5 6 4 5 6 4 6 4. And your name is, ये पकड़ो, ये तुम्हारा नहीं है। आप अपनी चीजों का ख्याल रखो, अपने साथ लेके जाना अपनी चीजें। मुझे मेरा चीज स्ट्रिंग चाहिए। नाइन एट सेवन 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 5 6 4. हाय। अरे यार आप फिर आ गए। अरे why can't you just let me be here?
मैंने सुना है आप वापस मीता के पास गए थे रात को। हाँ मैं गया था, मेरी बीवी है, बॉस मैं जा नहीं सकता क्या। तो आप ट्राई कर रहे हैं वापस उसके पास जाने का? या आई एम ट्राइंग कांट यू सी दिस, कांट यू सी दिस। तो इसमें क्या लॉन्ड्री वगैरह सब है? आपको ये लॉन्ड्री दिख रही है? ये लॉन्ड्री है, इसे बुक्स है, डीवीडीज है, फॉरेन फिल्म्स है, आर्ट की बुक्स है, कुकिंग बुक्स है। पर आपको तो आर्ट पसंद नहीं है ना? नो आई लव आर्ट, आई लव आर्ट, एनी प्रॉब्लम? तो या नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। वो नो कमेंट्स। मैं पूछ सकता हूँ आपके वो सेक्सुअल एडवेंचर्स का क्या हुआ? यार आप उस मनहूस चीज का मेरे सामने नाम मत लो। आप बार बार अपनी जबान से ये शब्द क्यों निकालते हो? इससे आदमी की लाइफ बर्बाद हो जाती है, आदमी कहीं का नहीं रहता है, आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, बॉडी एंड माइंड का इससे बैलेंस बिगड़ जाता है, समझ रहे हैं आप? इस शब्द को बार बार इस्तेमाल मत करो आप, ओके? तो आपका और मीता का सब रिजॉल्व हो गया? अभी तो नहीं हुआ है और चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, बट आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड, लेट्स सी, गॉड नोज। और ये सेक्स सेक्स आप बार बार बोलते रहते हो ना, सेक्स फॉर द सेक ऑफ सेक्स इज बीमारी। आदमी को इसे पढ़ना नहीं चाहिए, साथी साथी होता है, साथी साथी होता है, यू नो। नाउ आई रियलाइज। और वो स्वीटी बोपारा, वो काया, स्वीटी बोपारा, और वो जो नाम आपको पसंद थे, स्वीटी कैंडील, बेबू, पुचकू। मीता दिस इज अ फैक्ट एंड दिस इज द बिगेस्ट रियलिटी दैट आई लव यू। वो मानता हूँ ना मुझसे गलती हो गई, गलती हो जाती है, इंसान हूँ ना। और तुम भी कौन सी, देखो तुमने भी तो ढूंढ लिया ना। hey, इतनी जल्दी? हमने कुछ नहीं किया। हाँ कुछ नहीं किया? Are you doubting me, Samit? No. How can I doubt you? How can I doubt you? I'm a nice person. I have a big heart. मैं जानता हूँ लोगों से गलती हो जाती है, and I forgive you, Mita. I forgive you. You forgive me? No. Okay. It's not a question of me forgiving you. Okay? You forgive me. Okay? Okay. है ना? Happy? Yeah. Okay. क्या कहा तुमने? ऋषि आया था घर पे, मुझे समझाने लग गया, we are getting old. पता नहीं वो getting old क्यों करता रहता है, पर बाद में you know I realized that he was right, we are getting old. You think I'm old? How can you be old? Only I'm getting old. You are to my sweetie Bopara. Sweetie kya? Bopara. Para? Matlab? Oh no. Just drop Bopara. Drop Bopara, you are just sweetie. एक हफ्ते बाद समित और मीता रियूनाइट हो गए और इस ओकेजन को डिनर पर सेलिब्रेट किया गया। Really wanna have one of these dumplings. Thanks. You know everybody fools around, but what really matters is क्या आप सीखते क्या है ना? I think a real test the crisis survive करने में। I think that's great. I mean, अगर तुम लोग इतना मच्योर हो सकते हो, मुश्किल है। But I think it's great. Majority की बात नहीं है, but you know, आपको समझ में आने लगता है कि आपकी priorities क्या हैं life में, you know. अब कब तक aerobics, fitness के बारे में बात कर सकते हैं? आपका वीर कोई बहुत तोप चीज नहीं था? कैसा है वीर? पता नहीं, बीमार था। मैंने जब कॉल किया तो बुरी हालत थी। उसके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई थी। Actually, वीर का रियल क्रश तो सिमी है। नॉट टू ऑफेंड यू ऋषि। अरे मुझे तो अच्छा लगता है अगर सिमी को कोई चाहे तो। रियली? हाँ ऋषि को तो ऑलवेज सेकंड ओपिनियन चाहिए ना, एटलीस्ट जहाँ तक मैं कंसर्न हूँ। ये क्या बात हुई? दैट्स नॉट फेयर। ऑफ कोर्स। ऋषि अगर मैं तुम्हारी जगह में होती देन आई'ड बी अ लिटिल केयरफुल। क्यों? वीर तो सिमी की हर बात तभी तभी आवाज में बड़े प्यार से करता है। कहो। I think he's really impressed with your poetry. Poetry? Poetry? Cheers. Poetry. Cheers. 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 Cheers.
मुझे कभी नहीं बताया अपनी पोएम्स के बारे में? As though you care. क्यों नहीं? I'm just not comfortable. क्यों? क्योंकि तुम बहुत क्रिटिकल हो. What nonsense. मुझे भी पोएट्री अच्छी लगती है. Do you love him? क्यों? क्योंकि मैंने उसे कुछ पोएम्स दी. Don't be silly. Excuse me. I don't flirt. झूठ मत बोलो, मैंने देखा है. तुम एकदम बदल जाते हो. अच्छा? Yeah. Like what? Come on. Like मेरा अपना एक आइलैंड होता, एक यॉट होता, मैं 6 महीने आइलैंड में रहता, you know? That's flirting. मुझे पता है तुम बॉम्बे छोड़ के एक दिन भी नहीं रह सकते. मैं तुम्हें अच्छी लगी क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड जूही की याद दिला दी थी, right? But then you discovered that I'm decent and not crazy like her. नहीं, मैंने तुम्हें पसंद इसलिए किया क्योंकि तुम decent थी, crazy और पागल नहीं. हाँ, और फिर वही तुम्हें boring लगने लगा. No. बल्कि अब मुझे लगता है कि तुम crazy और पागल हो. Oh, तो मैं तुम्हें जूही की याद दिलाती हूँ. तुमने कहा था तुम्हें डिवोर्स चाहिए. Don't lie, मैंने नहीं. मुझे अच्छी तरह से याद है, तुमने कहा था. You said it first, जिसने तुमने वो सर्वे पढ़ा था ना कि am I good in bed? सर्वे क्या? मैं ऐसे ही पूछ रहा था. हाँ? सर्वे? नहीं, और मैं चुप थी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी और मैं डर गई थी कि हमारा झगड़ा और भी बढ़ जाएगा. झूठ? What do you mean? Nothing, just forget about it. नहीं, I want to know. About size. About my... मतलब? Actually, मैं ऋषि के साथ पूरी तरह honest नहीं थी क्योंकि मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी. मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू बी फ्री, यू नो. वो चुप चुप के, यू नो, झूठ बोल के नहीं जीना चाहती थी. दैट्स, यू नो, मुझे नहीं लगता कि अब हमारे बीच कुछ बचा है. आई थिंक वी आर गुड टुगेदर. पुरानी बातें हैं, छोड़ो. कुछ दिन बाद ऋषि अलग रहने लगा. It's not like कि हमारे बीच इतना बड़ा झगड़ा हुआ, anything like that. I mean, it's just, I guess you could call it a joint decision. And I love Veer. Hello. Hi, Mita. Veer. Mita. मैंने कोशिश की पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता. देखो, मैं ये डिस्कशन बार बार नहीं कर सकती. ओके मीता, ये डिसीजन तुम अकेले नहीं ले सकती. मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा. नो, एक्चुअली मैं ये डिसीजन लेना चाहती थी. ओके मीता, लेट्स मीट फॉर डिनर एंड डिस्कस इट. नहीं, मुझे तुम्हारे साथ किसी डिनर पर नहीं जाना. ओके कॉफी? वीर प्लीज ना, इसे इतना मुश्किल मत बनाओ. मीता. ओके आई एम सॉरी, आई हैव टू गो. मीता सुनो. मीता, वीर की चिंता करना छोड़ दो. उसके लिए कोई है. सिमी है ना, माँ की तरह देखभाल करेगी उसकी. उसके लिए खाना बनाएगी, चाय बनाएगी, बातें करेगी, उसको अच्छी तरह एहसास दिलाएगी कि कितना बुरा हुआ है उसके साथ. ऐसा मौका कहाँ छोड़ेगी वो. शिकार बनने के लिए तैयार हो गया बेचारा. लिसन, टेक इट ईजी. चल पहले कुछ खा लो. ओके एंड डोंट वरी, मैंने सारी शॉपिंग कर दी है. एग्स, ब्रोकली, सोय मिल्क, ब्राउन ब्रेड, सब कुछ. ओके और हाँ, तुम्हारे ऑफिस के सारे अपॉइंटमेंट्स इस वीक के कैंसिल कर दिए हैं. सारे? Did I do something wrong? No. मैंने सोचा you should relax ना. Come, eat. मैं सिमी से ऑनेस्टली बात नहीं कर पा रहा था. क्या कहता कि मैं एक 20 साल की लड़की से इन्फैचुएटेड हूँ? तो तुमने अपने आप को रोका क्यों नहीं? You know, शायद कुछ कमी थी हमारी शादी में. रागा? रागा? Please, Simi, stop being so understanding. लेकिन तुमने तो कहा था संडे तुम फ्री हो. मैं अकेले रहना चाहता हूँ, प्लीज कैन आई? तो रहो अकेले, मैं थोड़ी रोक रही हूँ तुम्हें. Yes, you are. अपने उस quiet और supportive way में, understanding, that's your thing. मीता के लिए मुझ में अभी भी कुछ feelings हैं जो तुम्हारे लिए कभी नहीं हो सकती. Fine. अरे अब तुम कहाँ जा रही हो? Simi, wait. Simi, please. I'm sorry, Simi. Sorry. You know, तुम इतना मीन हो ना. I'm sorry, Simi. You do mean a lot to me. No, I know how you really feel about me. तुम इतना self-centered हो, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया. I know, पर मेरा मतलब वो नहीं था. तो फिर क्यों कहा ऐसे? मैं confused था, पर तुम्हें hurt नहीं करना चाहता. So I don't believe you. Simi, please, मैं तुम्हें deserve ही नहीं करता. No, you don't deserve me. दो साल में काफी कुछ बदल चुका था.
सिमी और वीर की शादी हो चुकी थी। Are you hungry? तुम? Not really. कुछ रेशमी कबाब है फ्रीजर में और सैलेड भी है। Oh. Yeah, you want some? It's okay, मैं बाद में खा लूंगी। मैं ले आता हूँ। ठीक है, मैं सैलेड ले लूंगी। सैलेड? I'll take salad. लेकिन I don't want any carrots in that. ड्रेसिंग लाओ, लेकिन लेकिन वो फ्रिज में जो पड़ा हुआ है ना कल का, वो जो पुलाव, why don't you heat that and get it also? With it, something sweet. Coke also in the fridge. Let's have some coke. मैंने कहा था ना, passive aggressive. किसी तरह से भी जो उसको चाहिए वो लेके छोड़ दी। पहले मैं, फिर ऋषि, फिर मैगजीन में काम, फिर सेपरेशन फ्रॉम ऋषि एंड नाउ वीर। व्हाट नॉनसेंस। व्हाट? सिमी के पीछे मैं गया था, वो भी तब जब मीता समित के पास वापस लौट गई थी। और मैंने तो मीता को इंट्रोड्यूस किया, यू नो? एग्जैक्टली। डिड आई पुश? नॉट एट। देखो, मैं अभी रेस में नहीं हूं। मैं किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। हम ठीक हैं, अब हम कभी नहीं लड़ते। कभी लड़ाई हो जाती है तो धुले हुए कपड़ों को दोबारा धोने लगती है। वो एक काली शर्ट है, उसको तो हम वॉशिंग मशीन के पास ही रखते हैं, पता नहीं कब गुस्सा आ जाए ना। तो काली शर्ट धुल धुल के सफेद जैसी हो गई है। In the shelf above the microwave. Okay, there are two bottles over there. Just get them also. Of course. I'm बहुत खुश है, बहुत खुश है. It's you know, I think he understands my stupid ways. She's the more understanding one. ना किसी को हर्ट करो, ना खुद हर्ट। ये आपके हाथ में क्या है? ये मैं इनकी बर्थडे के लिए चोली तैयार कर रहा हूँ। लेकिन you said you're gonna make that thing ना? Which? You know you learned on TV. The pasta. Yeah. Why don't you go and make that? Oh, Madhu, she's a new student. अभी semester join किया है. Okay. She's helping me in the script development. Okay. By bright girl. वो सब बातें जिन्हें हम डिस्कस नहीं कर सकते, वो कैसे रिजॉल्व करते हैं? घूम फिर के भाई। लाइक मैन वुमन इश्यूज रिजॉल्व। रिजॉल्व कैसे? वी हैड सच लवली टाइम्स टुगेदर। आई नो। चलो एक बताओ। क्या तुम्हारा सबसे फेवरेट? बताओ ना, क्या, कौन सा? वो क्या बताओ? तुम बता। मैं? हाँ? के? आ फर्स्ट किस? या। बताओ कब? कब? डेट बताओ। डेट? हाँ। आई, लेकिन मैं क्यों भूलूंगा अभी, बताओ। मैं भूल कह सकता हूँ, तुम टेस्ट कर रही हो क्या? नहीं हा? नहीं क्या? I'm sorry. I'm sorry. बॉल के कलर्स चेंज करते हैं। समझ? पिंक? बॉल्स पिंक करते हैं? पिंक कर दो। हाँ कर दो। नहीं, सफेद। सफेद? सफेद। व्हाइट? आई थिंक व्हाइट विल लुक नाइस। हे, व्हाट अबाउट ब्लैक? ब्लैक को अंधेरा। बोल क्या रहे हो? अंधेरा अंधेरा, हॉट एंड कोल्ड। ओह, हॉट एंड कोल्ड खेले अभी? हाँ। It's not my fault, I need my space. Bedroom is old and I hear face to face. Commitment got kya matlab hai? Saath saath sona, saath baith TV dekhna. Everything was out now, but up to time.
about our three bad boys you know so well. I've been dreaming my life like a beauty on a seashore. Dil Kabaddi, I just wanna play this game more. Holding back for the ladies, I don't know, yo. Come on, honey, I won't let you go, no, no. Yes, sir, I got my wife preserved. I got a ring on my finger, my love wanna swing. Yes, sir, I got my wife preserved. I got a ring on my finger, my love wanna swing. Now my life is a mystical. Tere mere beech mein hai China.